नाम अपराध में सेवा अपराध भी परिणत हो जाता है। इसलिए भक्ति जगत में साधक को सतर्क रहना चाहिए। तो पद्म पुराण में 32 प्रकार की सेवा अपराध का वर्णन किया गया। क्या क्या है इसको पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे पता नहीं, तो एक बार नजर डालने से याद रहेगा एटलीस्ट। पादुका पहन करके मंदिर में जाना, इसलिए आप से आए थे नीचे पादुका रखे थे, महाराज पादुका लेकर ऊपर आ सकते। विष्णु मंदिर विष्णु प्रांगण पादुका निषिद्ध, चप्पल पिंधी के घर पर्यंत सब आड़े पर्यटन ठाकुर मंदिर बंद पड़े जाए। ठाकुर ऊपर ले कौन आला कौन एटा मंदिर ले। आज तो जो चप्पल नहीं आई है ना, जो डाल की सेवा करती है वो अलाउड है, पतली सी आती है ना, सभी लोग आजकल डाल की। और ठंडी के समय में मतलब वो प्रत्यवाय कर नहीं पाते, मतलब ठंडा सहन नहीं होता है, शरीर नहीं रहेगा, उसके कारण डालते हो, अलग वस्तु है। लेकिन ऐसे वो चप्पल ठीक है महाराज, फिर ठीक है, मतलब किस चीज की बनी हुई है वो, मैं अबकी बार देखा सभी लोगों ने। हाँ ठंडा में ठीक है, क्या करे वो ठंडा में, नहीं तो चलेगा नहीं ना, क्या करे, इसलिए ठीक है। जैसे किचन में जाते हैं और दूसरा सवारी में बैठ करके मंदिर में जाना, सवारी मतलब वाहन में, आजकल तो बिना वाहन में कोई जा नहीं सकते, जा सकते हैं। और उष्ट देव के उत्सव का निरादर या अनुष्ठान न करना, हमारे गांव में हमारे जी इसलिए ठाकुर जी के मंदिर जगन्नाथ मंदिर के सामने जो लोग जाते थे वो साइकिल से उठ करके उतर करके चप्पल को पकड़ करके चलते 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 पार होते थे, फिर पहन के जाते थे। अच्छा सम्मान देते, लेकिन सम्मान देते नहीं, वो अभी हमारे समझ में आ रहे मठ में आने के सेवा अपराध के कारण ऐसा नहीं करते आजकल, और कोई खातिर नहीं करते, इसलिए वो वज्रले हो गए सबके विमुख। इष्ट देव के उत्सव का निरादर या अनुष्ठान न करना, जन्माष्टमी राधाष्टमी बलदेव पूर्णिमा रामनवमी आदि भगवान की जो उत्सव है उसको निरादर करने से क्या होती है, अपराध होती है, सेवा अपराध। अभीष्ट देव के सम्मुख उपस्थित होकर भी उन्हें प्रणाम न करना, ठाकुर जी के सामने आए प्रणाम नहीं किए, इसलिए जितना बार आओगे सामने उतना बार प्रणाम करना चाहिए, पुजारी करने से नहीं होगा, कितना बार पुजारी करें वहाँ चले गए बाहर को सामान लाने के फिर आ गए फिर प्रणाम करें, लेकिन जो दर्शनार्थी है साधारण सेवक के लिए वो है। उच्चिष्ट अवस्था में भगवान की वंदना करना, हरिनाम कर सकते, कुली नहीं किया, प्रसाद पा रहे उठ गए हरे कृष्ण बोल दिया चलेगा, लेकिन वंदना मतलब गा नहीं सकते, मुनिंद्र वृंद वंदित है, उच्चिष्ट अवस्था में नहीं होगा। इसलिए दो चीज को बहुत ध्यान से रखना है सेवा अपराध के लिए, प्रसादी और उच्चिष्ट और भोग, ये दो विचार को ध्यान करके पुजारी को विशेष करके ध्यान देना है, बाकी सबको भी। भोग मतलब कौन सा है, जो नैवेद्य, भोग मतलब जो पहले रसोई में बनता है, भोग बनता है, नैवेद्य है जब तैयार होकर ठाकुर जी के सामने आता है, निवेदन का योग्य जो वस्तु है।
फिर जब ठाकुर जी को अर्पण हो जाता है, ठाकुर जी ग्रहण कर लेते हैं, वो बन जाता है फिर महाप्रसाद कृपा प्रसाद। फिर राधारणी ललिता आदि सखीगण लेने से फिर महाप्रसाद, फिर वैष्णव लेने से महा महा प्रसाद। तो इसलिए उच्चिष्ट मतलब जो भगवान की प्रसाद है, भोग भोग वस्तु में मिल सकता है, कोई असुविधा नहीं। मतलब वहाँ चावल है, दाल है, तो सब्जी चम्मच उठाया जो कुछ हो सकता है। लेकिन लेकिन ठाकुर जी की जो भोग और उच्चिष्ट नैवेद्य किसी में भी स्पर्श करने से पहले हमको साधु को क्या करना, स्नान तिलक आचमन करके उसके बाद जाएंगे। स्नान और तिलक करना है, तिलक करने के समय क्या करना है, आचमन तिलक मंत्र सबका याद है, ये पूछना क्या है, मतलब हमने देखा तो काफी लोग का याद नहीं, संदीप मना ची बोल तिलक कर बाम बटे डाण बटे बिल्कुल करना महाराज कहते ना पानी नहीं कि मंदिर तिलवट आज ना हरि मंदिर तापरे विग्रह को प्रतिष्ठा कर लिखित रिपोर्ट लिखित करुगल कहीं कहल बोलला आड़ नम नम कई कई कह नारायण नम केशवाय नम नारायण नम माधवाय नम गोविंद नम नम कही कह कर बुझल का मन रखी ना तू कौट कौन कह खाली बस की मन रख श्लोक मन न रहू आटलिस्ट नाम गुट मन रहे तिलक कला कही कही कह
राजकिशोर मना छे કરીવા સમયે સીએ જદી જેમતી અલગા ઉપર જળ નહીં કે પ્રતિષ્ઠા કરીપારો નહીં કરીવા સમયે મધ્ય નમો નમો કરીપારો નારાયણ કરીવા સમયે અને આવ તાપરે આચમનટા બહુ ધ્યાન કરતા આચમન હોય સે પાણીટા પૂરા ગળા પાસ કરવા દરકાર મને કરેલા હવે નહીં સે જળટા આચમન માને તાર અર્થ સે જળટા કેશવાય નમઃ કહી છે પાંડવ પર નવ દિવા દરકાર વિધાન કે તે વિધાન કે કહું છું એટલે બરોબર થાય તું કરે એ તો શું જાણતો છાડા આ ઉચ્ચિષ્ટ હું એ પે કહી દે ભોગ આ ઉચ્ચિષ્ટ ઉચ્ચિષ્ટ માને કણ એ નૈવેદ્ય માને બુઝેલા તાબરે પ્રસાદ પ્રસાદ લા પ્રસાદ સ્પર્શ વસ્તુ પ્રસાદ હે જાય એટલે સેટા ભગવાન પ્રતિ કણ નિવેદન કરે જે અચ્છા जो प्रसाद बन गया प्रसाद जब निवेदन हो जाता है किनको प्रसाद भगवान नैवेद्य जब निवेदन होने के बाद वो बन जाता है क्या प्रसाद नैवेद्य कब होता है प्रसाद से पहले भोग के बाद भोग बनने के समय बनता है भोग जब तैयार हो क्या है ठाकुर जी का निवेदन करने के लिए रखा जाता है उसको कहा जाता है नैवेद्य और फिर भोग क्यों कहा जाता है जो अहम भोक्तारम्भ यज्ञंत प्रसाद भगवान भोक्ता उनके भोग वस्तु है भोग मतलब वो एंजॉयर है सुप्रीम एंजॉयर उनका भोग वस्तु सर फिर उनका कहा जाता है भोग भगवान भोग करेंगे दृष्टि भोग करेंगे और फिर नैवेद्य फिर प्रसादी प्रसादी मतलब प्रसाद प्रसाद के बाद वो जब जाएगा वो भोग कोई वस्तु में नहीं मिलेगा तो प्रसाद हो गए वो फिर निवेदन करने के लिए अजोग्य बन जाएगा इसलिए प्रसाद जो हम जाता है और जो प्रसाद निवेदन किया गया उद्देश्य से फिर चाहे वो प्रसाद के साथ मिला नहीं लेकिन फिर वो क्या हो गया प्रसाद हो गया ऐसे तो उनके साथ मिलाना चाहिए और हमारे गांव में महाराज जी थे बाबा जी महाराज
वो तो बोलते थे कि पूरा जितना हुआ तब ये जाके भोग लगेगा तपन जंट कर बाबा जी के लोग करते हैं, और जाते बाकी जो बच गए उसमें भी तुलसी डालेंगे और मंत्र बोलेंगे, है ना। तो आने के बाद फिर मिलाएंगे। तो ये प्रसाद उनके वो कभी ये वस्तु में मिलाना नहीं चाहिए, इसलिए भोग जो जाता है प्रसाद यहाँ से जाते हैं वो अलग रखते हैं, और वहाँ से जो नैवेद्य रहता है भोग रहता है उसको बाहर निकल करके मिला के प्रसाद बना, सारी प्रसाद हो जाता है। और कभी कभी ये देखने के लिए मिलता है, और इसलिए वो वस्तु बड़ी केयरफुल है। और उच्चिष्ट क्या है, प्रसाद जब हम खुद ग्रहण करेंगे, कोई वैष्णव ग्रहण करेंगे तो ये क्या बन गया, उच्चिष्ट है। वो कभी ठाकुर जी का कोई भी बर्तन में हाथ हो, स्पर्श उच्चिष्ट हाथ और उच्चिष्ट मुँह में भी वो कोई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसा कि इंद्रिय अगर उच्चिष्ट है आपका, ये जो क्या हाथ उच्चिष्ट है, तो कोई प्रसादी वस्तु में या भगवान के संबंधित तो कोई भी वस्तु में आप स्पर्श कर नहीं सकते। और मुँह भी उच्चिष्ट है तो वंदनादि गान नहीं कर सकते, इसलिए वो सेवा होगा। वंदना मतलब क्या है, हरि नाम कर सकते हैं, लेकिन वंदना मतलब ऐसा कि टॉयलेट प्यान कर बैठ कर भी वंदना कर सकते हैं। ए हरियाणा वो क्या नाम हमारे उमा दीदी बता रही थी कि वो वंदना कर रही थी बार बार, ओ जैंक उमा दीदी भजनशील तो है ही, और तो बोले हमें तो करते गत बार कर परमेश्वर को सुनकर के बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, वो हरिनाम कर सकते, अगर हरिनाम के बिना रह नहीं सकते क्षण तब तो हरिनाम कर सकते, लेकिन वंदना नहीं कर सकते। तब स्तुति स्नान करने के बाद फिर वंदना शुरू कर सकते, उचित और नहीं रहा। और जो ये ध्यान देना है, जैसा जो बेड है हम जो सो जाते हैं ना, शरीर डेड बॉडी के साथ समान है सोने के बाद, इसलिए उसके साथ जो स्पर्श हुआ चीज है वो भी डेड बॉडी जाते हैं, इसलिए अपने को जरूर फीलिंग से होगा। कोई पुजारी अगर ठीक से है, पुजारी क्या साधारण साधक भी अगर कपड़ा साफ सुथरा होगा, हम लोग ना हमारे मन ये सही बात है, देखते देखते हमारे अनुसरण अनुकरण हो जाता है, ये बड़ा गड़बड़ी है। तो ये उसमें जब सो जाते साधकों के ये सब कसरत रहने से हरिनाम भी ठीक से होगा, वंदना भी ठीक से होगा, और रूल्स वैधि भक्ति का पालन जरूरी है, इतना जल्दी रागन होगा भक्ति नहीं होगा। तो हमने खुद भी देखा जब ये अगर उसी वस्तु का स्पर्श हो जाता है, जो कपड़ा जिसमें सोते हैं उसी बेड में बैठ गया, उसी अगर बेड में व्यवहार होता है तो उसी बेडशीट को एटलीस्ट ऊपर से हटा दो, और वो सबसे अच्छा है वो जो मैट होता है घास का, वो मैट सात्विक होता है, उसमें ये जो स्पर्श दोष वगैरह नहीं लगता है। फिर भी जो सोने के लिए जो उसको व्यवहार करते हैं, फिर बैठने के लिए भजन करने के समय रहना करना, उसको व्यवहार नहीं करना चाहिए, अलग से आसन रख करके बैठ कर रहना करना चाहिए। इसलिए हमारे गांव में ये हम एक्चुअली हम लोग भजन में कसरत नहीं होते हैं, हम भी कुछ कुछ चीज़ ऐसे कर नहीं पाता हूँ, लेकिन एक आचरण पात्र रहता है, रहता था उनके पास हमारे मठ में देखा था मारे, थोड़ा सा अगर कुछ दूसरा जगह हाथ लगाया, कोई प्रसादी हो गया कि भोग में लगा कहाँ भी लग गया, साथ साथ वो पानी में हाथ करके धो लेते, धो करके मतलब एटलीस्ट आचमन पात्र में करके फिर करते थे हरिनाम हो, नहीं तो झट करके कहाँ से घूम करके आए माला उठाए पकड़ने ऐसे नहीं करते थे, कहाँ लग गया होगा कहाँ पर हाथ लग गया तो, और इधर उधर बैठ कर नहीं, एक जगह एक आसन में बैठ करके फिर हरिनाम ही करते थे। कभी नींद आ गया तो घूम सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब काम भी नहीं है तो माला पकड़ो और घूमो, नाम मात्र, और उसके द्वारा भी नाम नहीं होता है, हरिनाम नहीं होता था, माला पकड़ घूमने से भी नाम नहीं होता। नाम करने का हमारी गुरु जी के बच्चे
किसी को माला लेकर बाहर बाहर जाना जा करके प्रणाम करना हमारे बिल्डिंग में ऐसे करने पर जब तक ऐसे नहीं करेंगे ना कोई संस्था चल ही नहीं सकता। आप जो करोगे तुम कर रहे हो, मैं जो चाह रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, वो जो करे वो फिर संस्था चलेगी नहीं। हमारी संस्था क्यों नहीं चलेगी? उनका इतना हजार हजार मंदिर कितने मंदिर चल रहा है दुनिया में, पर जो बोले नहीं हम प्रागन जो होंगे हम इसे बल्दी मार कर इतना आसानी है आसानी दुनिया दुनिया हाथ में नहीं आएंगे तो प्रसाद बाद सबसे पीछे आकर गुरुदेव खड़े रहते और गुरुदेव देखते थे कौन आया तो नहीं कुछ हो गया जब लास्ट घंटा का समय में पानी डाल दे पूरा गुरुदेव आकर पीछे खड़े रहते कौन आया कुछ उसने लिया मैंने कम से थोड़ी समय ना बैठ गए जैसे वृंदावन पर करते चलो महाराज मैं इसको क्यों नहीं मैं हमारी इच्छा है लेकिन मैं क्या कि सुबह हमारे जो उसको नहीं करने से और हमारा शरीर भी साथ नहीं देता और दिन भर हम उस काम कर ले जैसे ना जैसे अभी जैसे कितना बजे हमारा आरती खत्म होता है कितना बजे आरती खत्म होता है? कितना बजे कथा थोड़ी सी अगर करेंगे ना आप खुद देखना इसमें कितने प्रभाव पड़ता है। बाहर का लोग आएंगे ना कोई भी अगर देखेगा जब सबके सब एक जगह पर बैठ के धरना कर जो करने वाला के ऊपर हमें प्रभाव पड़ेगा और देखने वाले ऊपर तुलसी पर रखे और वृंदावन मठ में जो कोई बाहर जाते हैं लोग आते हैं देखते हैं एक साथ में इतने ब्रह्मचारी बैठ गए धरना करेंगे अरे भाई बाबा उनके अंदर में क्या भावना आता है अंदर में प्रभाव पड़ता है साधु हम लोग सवेरे घूमाते ही आते हैं लेकिन ठीक है आधा घंटा अंदर में सब काम करते आधा घंटा सब करता आधा घंटा कर लो सारी करना कर लो थोड़ी समय पाँच पैंतालीस से पूरा साढ़े छः बजे तक बैठना पड़ेगा फिर 6:30 बजे से साथ साथ ही कीर्तन शुरू और कीर्तन उसके बाद ही फिर यहाँ से छुट्टी जैसे जैसे कीर्तन एक घंटा होता है कीर्तन से कम कर लो आधा घंटा से शरणागति ये सब करना हरी कथा कर सवेरे नेता जैसे आधा घंटा ना आधा घंटा 45 मिनट छोड़ते
तो उच्चिष्ट अवस्था में भगवान की वंदना करना नाम अपराध है, अपवित्र अवस्था में भगवान की वंदना करना ये भी नाम अपराध है, सेवा अपराध है। अपवित्र अवस्था में मतलब क्या है, इसलिए हम लोग जब कोई बहिर्देश जाते हैं इसलिए पवित्र होने का विधान है। पवित्र होना मतलब हाथ पैर पूरा अच्छी तरह धोएंगे और हाथ पैर धो करके फिर वो जो पानी लेकर के थोड़ा अपवित्र करके ऊपर में डालना पड़ता है और जनेऊ धोना पड़ता है और एक हाथ से प्रणाम करना ये सेवा अपराध है। एक हाथ में प्रणाम नहीं होता, परिक्रमा भी एक हाथ में नहीं होता, तो एक बार परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। विष्णु मंदिर को या वृंदा देवी को, कोई विष्णु और वैष्णव विग्रह को कभी एक बार प्रणाम नहीं करना चाहिए। इस समाधि में गए और एक हाथ में प्रणाम नहीं करना चाहिए, एक बार परिक्रमा नहीं करना चाहिए। लेकिन भोजन और शयन के समय प्रणाम नहीं करना, ये कहाँ पर लिखा नहीं हरिभक्ति विलास में, और ये पद्म पुराण और वराह पुराण में जो अपराध सेवा अपराध बताया गया उसको लिखा नहीं गया कहाँ पर, उसको परमेश्वर प्रयोग वगैरह लिखी में अभी उन्होंने लिखना छोड़ा था, वो भी अच्छा बता रहे थे। तो वहाँ पर लिखा गया है हरिभक्ति विलास अष्टम विलास में कि ये है कि एक बार प्रणाम नहीं करना, एक बार परिक्रमा नहीं करना और ये सेवा अपराध है। टाइम नहीं तो दो बार जरूर परिक्रमा करना चाहिए, नहीं तो विधान है चार बार परिक्रमा करो और एक हाथ में प्रणाम नहीं करना। कुछ हम हाथ में रखा है तो हाथ में पकड़ लिया और ऐसे एक हाथ में प्रणाम किया, ये विधान नहीं है, सेवा अपराध है। इसलिए कोई वैष्णव को देख करके एक हाथ में ऐसा प्रणाम नहीं करते, अगे हरे कृष्ण नहीं करते। आजकल सब बच्चे लोग स्कूल में मास्टर टीचर लोग ऐसे कर लेते हैं। तो देवता को पीठ दिखा करके प्रदक्षिणा करना अर्थात भगवान की दाहिनी ओर पीठ पीछे और बाएं ओर जिस प्रकार परिक्रमा की गई है, सम्मुख आने पर भी उसका परिवर्तन ना करके प्रदक्षिणा करना। इसलिए यहाँ पर तो नहीं, नए बच्चे परिक्रमा करने के समय ठाकुर जी विग्रह का सम्मुख प्रदेश में कभी पश्चात भाग रख करके क्या बैठना नहीं, परिक्रमा भी नहीं करना। इसलिए उसी जगह आते तो ऐसा घूम करके परिक्रमा करके ऐसे जाते, कभी तो कोई इसको समझ में नहीं आता तो वहाँ जगह उल्टा एक राउंड मार देते, राउंड मार के चले जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आएंगे पीछे पश्चात भाग उस तरफ नहीं रखना, ठाकुर जी की तरफ परिक्रमा करके ऐसे घूम करके जाना। और आगे बैठ करके विग्रह के आगे पैर फैसार करके
पैर पसारना नहीं, मतलब पैर को आगे रख कर आगे करके भगवान के सामने ठाकुर जी के विग्रह के सामने नहीं बैठना है, उनके सामने हाथों से अपने घुटनों को बांध करके बैठना, ये अपराध है। मतलब ऐसे ये क्या है, ये सेवा अपराध है, ऐसा नहीं बैठना। और उनके आगे शयन करना, ठाकुर जी के सामने शयन नहीं करना चाहिए। ठंडा के दिन पर मंगलार्क में लोग आते हैं तो बस लंबा जयगन हमारा होती है, जानबूझ कर गिर पड़ते हैं, और गिर पड़ने के बाद लेकिन जयगान के समय दोनों सही है। हमने तो पहले सोच रहा था कि देवान गौड़ी मठ में चैतन्य गौड़ी मठ में खड़े होकर जयगान करते हैं, जगह अभाव है मंदिर से, जगह नहीं है तो क्या करें, सब प्रणाम करोगे तो नींद ही हो गया, लंबा जाएगा ना, और सब होते होते और नींद से उठ करके आए, नहा धो करके तिलक विलक नहीं किया, आ गए सोते सोते सो ही गए पूरा। ये सेवा अपराध है, ठाकुर जी के सामने शयन करना। और उनके सामने भोजन करना, ठाकुर जी आगे बैठ करके भोजन करना, ये सेवा अपराध है। भोजन करना चलो, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज आए थे, हम एप्पल ग्रीडिंग करके दिए थे, दो बार खाए, मुझे तो बैठ कर सुधा जी मारे थे। फिर उसके बाद हमने स्क्रीन बंद किया था, नीचे मंदिर था, जाके हमने मंदिर खोल दिया, स्क्रीन खोल दिया, और फिर नाटो में तो बैठते चेयर पर, फिर ऐसे रहने लगे और खाए नहीं, प्रसाद पाए नहीं। महाराज नींद नींबो क्यों करी ठाकुर सामने, फिर हमने जाके स्क्रीन बन। तो ये है सेवा अपराध, भोजन करना ठाकुर जी के सामने, विग्रह के सामने मिथ्या भाषण करना, ऐसे तो मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी के सामने, इसलिए पहले गांव में भी होता था, उसको मानते थे, कोई नियम करना होता तुम चोरी नहीं किया, चलो ठाकुर जी सामने बोल दो फिर हम मान लेते, मिथ्या भाषण नहीं करना है तो लोग नहीं करते। और विग्रह के सामने उच्च स्वर से बोलना, भय होना चाहिए ठाकुर जी, उच्च स्वर से नहीं बोलना, यहाँ से किसको चिल्ला कर नहीं लगना, हे वहाँ कहाँ जा रहे हैं इधर आओ, हम भी कभी बोल देते हैं, डांटना नहीं चाहिए। विग्रह के सामने किसको उच्च स्वर से आपस में वार्तालाप करना है, ये प्रजल्प करने का स्थान नहीं ठाकुर जी के सामने। विग्रह के सामने रोना, क्रंदन करना, जागृत को कोई कारण है, शोक के कारण रोना नहीं चाहिए। विग्रह के सामने किस पर अनुग्रह और अनुग्रह करना, डांटना और भट करना, प्रेम से भक्ति से तो ठाकुर जी के लिए हो गया, और हाँ किसको अनुग्रह किसको निग्रह, मतलब किसको डांटना फटकारना, ये सेवा अपराध है। और ठाकुर जी के सामने किसके प्रति निष्ठुर या क्रूर भाषा का प्रयोग करना, कठोर भाषण करना ठाकुर जी के सामने किसको, या सेवा अपराध। उनके सामने या सेवा में कंबल धारण करना, अच्छा कंबल होता है,
बकरा का भेड़िया का लोम होता है, भेड़िया का लोम होता है, और आजकल तो स्वेटर पहन के आ जाते हैं सर। इसमें केस नहीं गिरना चाहिए, उनके सामने किसकी निंदा करना ये अपराध है, सेवा अपराध। दूसरे की स्तुति करना ये भी सेवा अपराध है। अश्लील भाषण करना, गाली वगैरह देना किसको, अधोवायु परित्याग करना ठाकुर जी सामने, ये भी सेवा अपराध है। सामर्थ्य रहने पर भी गौण उपचार से सेवा करना अर्थात अर्चन के समय पुष्प तुलसी धूप दीप और नैवेद्य आदि प्रधान प्रधान सेवा में उपकरण को अर्पण करने की सामर्थ्य रहते हुए भी जल आदि गौण उपचार अर्पण करना चल जाएगा। वस्त्राभावी सूत्रम देने ही करना चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो ठाकुर जी की सेवा के लिए जो उपकरण जितना चाहिए वो सब प्रयोग आयोजन करना चाहिए। हाँ घी मतलब पूरा देसी गाय का घी लाना चाहिए। अगर लाएंगे अभी बंद हो गया लॉकडाउन एंटर लिया वहाँ गया था मैंने निजल जो कुमारी पर जो कुमार हरिहर आगे द्वारा और अनिवेदित वस्तु अनिवेदित वस्तुओं का भोजन करना जो निवेदन नहीं किया गया उसको भोजन करना सेवा अपराध है। समय उपयोगी फल पुष्प आदि इसमें दोष बुद्धि नहीं करना कहीं क्योंकि महाराज जी के पास भक्तियों भक्ति के संग किसने प्रसाद लाया फल लाया उन्होंने साथ साथ दे दिया बोले गुरु महाराज जी ये तो प्रसाद नहीं हमने वो प्रसाद दिया। लेकिन वो कभी कितने वस्तु होता है उसको हर समय हर जगह प्रयोग करके दोष देखने से असुविधा है। जैसा कोई महाराज जी वैष्णव आए उनके लिए लाया उसको विधान करोगे लाओगे अर्पण करोगे अर्पण करके लोगे वो संभव नहीं होगा। तो इसलिए मन ही मन मानसिक रूप में उसको अर्पण करके वैष्णव की सेवा के उद्देश्य से उसको दे सकते हैं। इसमें दोष नहीं देखना उसको दोष जितना सामर्थ्य हो निजे कर सकते हैं। लेकिन दूसरे कोई वैष्णव के लिए कुछ कर रहे तो उसको लेकर के देखना तो मुश्किल है। समय उपयोगी फल हमने एक बार मथुरा में हम तो ये वस्तु को मथुरा में था हमें दिल्ली जा रहा था उस समय जो दिल्ली मठ में प्रभु जी थे प्रमाण प्रभु उनको कुछ देने के लिए चाहते थे एकादशी था एकादशी तिथिक्रम जा रहा था कुछ बुक्स का काम था तो देख रहे थे क्या करेंगे क्या करेंगे कुछ देंगे दे। लेकिन उनको पता है कि कोई आने वाला है इसलिए हमको थोड़ा रुक जाओ लगेज ले आए ले ठीक है थोड़ा बैठो एक बार बैठो। हमने कहा फिर दो मिनट के बाद किसने वो फल लेकर आए और आ गए तो उनको फिर हमको दे दी उसको लेके चले गए गुरु जी महाराज जी प्रभु जी उसको तो नहीं किया गया उसको है बेकार पहले वैष्णव सेवा बाद में विष्णु सेवा होगी उसको ले जाओ। हाँ तो भावना है सेवा भावना से कभी कभी हर वस्तु हर समय लाग जैसा गुरुदेव गोपीनाथ भवन में बैठे थे इसने लाके प्रसाद दिया
फसल थे तो पा लिए, फिर माथा में से हाथ रख रहे, जो माला कर रहे थे तो आधा से रखे थे, फिर वो करना शुरू किए। ओम प्रकाश ब्रजवासी, उन्होंने पूछ लिया कि महाराज जी आप तो हाथ धोना चाहिए ना प्रसाद लेने के बाद। तो गुरुदेव बोले अभी तुमको हाथ धोना चाहिए, इससे पहले मैं हरिनाम किया तो मेरे लिए चलेगा, मैं नहीं किया। अभी मैं सोच लिया कि मुझे हाथ धोना चाहिए तो हाथ धोना चाहिए, अगर मैं प्रस्तुति में हूँ कि बस हो गया अभी मुझे हरिनाम करना, बाकी अभी ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उसको मांगू और जाऊँगा। अगर ये वो उसी अवस्था में उनके लिए सेवा और नाम सब एक तात्पर्य भरे, वो अलग स्थिति है, लेकिन उसको देख करके, वो घटना को देख कर अगर हम भी करना शुरू करें तो क्या हो जाएगा, तो मरण होगा। इसलिए कभी कभी अनुकरण करना सही नहीं है। और किस स्थिति पर कौन बड़े महाराज है, उनका स्थिति अलग है, हमारी स्थिति अलग है। रोज नहीं नहाते, साढ़े पाँच छः दिन बाद में टेस्ट नहाते, जैसे पगवाड़ी से नहाते ना, बस पाँच टेस्ट छेड़ दिया, सारा शरीर गिरा कि नहीं नहीं गिरा, बस उसमें स्नान, चार पाँच दिन बाद चीज़ को बोलते थे कि जो श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं कि वो हरिनाम करते हैं, हरिनाम से ही भक्ति से ही नित्य ही वो स्नान कर रहे हैं, नित्य ही स्नान कर रहे हैं जो उन्नत वैष्णव। लेकिन अगर उनको देख करके हमारी गुरु जी ऐसे करके बोलती है तो उन लोगों का स्थिति अलग है। और भी मतलब एक बार ग्रहण था मथुरा में, याद है, ये नए बच्चों को पता नहीं होगा कि हरिनाम सब लोग क्या कर रहे थे, हरिनाम की रात भर जय ही ग्रहण मुक्त हो गया, फिर सुबह गए जमुना में स्नान करने ले जा रहे थे, अमल कृष्ण प्रभु और माधव प्रभु जानकी महाराज सब लोग जा रहे थे, सब करने जा रहे थे, त्रिवी प्रभु स्वामी नीचे बैठे, जाने के समय तो हो गया, तो महाराज को प्रणाम करके जाएंगे, चलो महाराज को प्रणाम किए तो बोले कहाँ जा रहे हो, जमुना में स्नान करने। अच्छा, महापवित्र हरिनाम महामंत्र करने के बाद क्या पवित्र हो नहीं पाए तो जमुना स्नान भी और उससे ज़्यादा पवित्र आपको दिलवा देगा, इसलिए जा रहे हो, ठीक जाओ। समझ में नहीं आया, फिर माधव प्रभु आने के बाद फिर पूछे जाके महाराज, महाराज जी क्या है हमें समझ में नहीं आता, सब तो आपने किसी उद्देश्य से पूछा, हम तो स्नान में फिर नहीं जाएंगे, ना जाएंगे स्नान करने। महाराज जी समझाए, ये अभी हम लोग ये समझ लेना चाहिए कि हरिनाम करने पर भी हम लोग और उससे ज़्यादा पवित्र है, जमुना स्नान से हरिनाम से ज़्यादा पवित्र होंगे कि नहीं होंगे, तो लेकिन जमुना स्नान करने क्यों जाते हैं, जैसा प्रसाद अपवित्र वस्तु नहीं, हम प्रसाद पाने के बाद में या प्रसाद का हाथ लगा दिया फिर हम हाथ क्यों धोते हैं, कि दूसरा सेवा के लिए हम प्रस्तुति हो जाते हैं फिर तैयार रहते, इसलिए हमको हाथ धोना पड़ता है। तो इसलिए स्नान करने के लिए जाएंगे जमुना में कि अभी हमको दूसरा सेवा करना है, जिस सेवा करने के विधान है कि स्नान अनेक आचमन आदि करना है, इसलिए करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हरिनाम से अपवित्र बन गए, हरिनाम करते करते इतना पवित्र हो नहीं पाए कि जमुना स्नान चाहिए। प्रसाद का दूध है हाँ, भोग अलग प्रसाद अलग, क्योंकि ठाकुर जी का अभाव थोड़ी है, इसलिए हम लोग जो देंगे वो वस्तु अगर उसमें स्पर्श हो गया तो भी गया, कि मंदिर में भी मंदिर में महाराज जी चाहे ये लोग पैसा के लिए चाहे आनंद बजाने वो मटकी धो लिया फिर आनंद बजाने दूसरा को भर के प्रसाद दे दिया, वो अलग है प्रसाद प्रसाद बेचा वो करते हैं, जैसा कि वो लेके ना पुड़वा निकाल दिए फिर दूसरे भर के दे दिए, लेकिन आनंद बाजार से कोई भी वस्तु फिर जो जहाँ रसोई बनता है वहाँ नहीं आएगा, कभी वो नहीं होगा वो सेवा अपराध। तो विग्रह को पीठ दिखा करके बैठना ये सेवा अपराध है, और किसी भी वस्तु को
समय उपयोगी फल पुष्प आदि अर्पण न करना, अर्थात जिस ऋतु में जो फल आदि उत्पन्न होते हैं उसी ऋतु में, इसलिए जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसी समय उसको ला करके भूख लगाना चाहिए। जो फल पहले आता है मार्केट में उसी फल को लाना चाहिए। जैसा अभी आम का समय है आ गया तो आम ला करके भोग लगाना चाहिए, लेकिन अभी कोरोना है तो इसके बाद ये होता रही जैसे नया सीजन आया ना, नया सीजन में जैसे आम का सीजन आया, आम का सीजन भले ही जैसे बहुत कीमती है क्या करनी चाहिए, अगर हमारा समर्थ नहीं हो तो कम से कम एक आम लाओ, कम से कम फल को नया सीजन आया है, कम से कम एक फल ला के अगर तुमने देखा आम लाते हैं लेकिन वो थोड़ा खट्टा आम है, वही आम को बारम्बार ला रहे हो उसी चीज़ जब लाओ वहाँ से देख कर ला इसमें खट्टा ला आम ला कर कितने चेक कर जैसे एक बार लाए तो पता चलेगा खट्टा, वही आम को बारम्बार ला कर भोग लगा रहे हैं। नहीं वहाँ भी है ना कि पानी अगर है देख लेते हैं कि थोड़ा सा वो दो जैसा निकाल गए जीवा केवल लगा देने से टेस्ट पता लग गया। मेन चीज उद्देश्य क्या होती है, सेवा बुद्धि के कारण ही अपराध होती है। जैसा अपना भोग बुद्धि हो गया, एक टेस्ट के बहाने से एक ले लेते, पूरा एक आम निकाला और खाया, वो अपराध है। लेकिन जैसा रसोई के बाद में देखा कि प्रभु जी को थोड़ा चुप कर लेते हैं, कहा मतलब गले से अंदर नहीं देंगे और जीवा लगा करके थोड़े नमक ठीक हुआ कि नहीं, प्रभु जी भोग लगेगा। बामन गोस्वामी महाराज को कोई भी प्रसाद देते थे बामन गोस्वामी महाराज जी प्रसाद को जो अर्पण किया तो कोई नहीं बोलते थे कुछ भी, मतलब नमक ज्यादा हुआ कि कम हुआ कुछ भी नहीं बोलते थे, लेकिन गुरुदेव को देने से गुरुदेव बोलते थे ज्यादा नमक डाले कौन उससे बनाया वो कह। तो क्योंकि गुरुदेव बोलते अगर मैं नहीं बोलूंगा तो वो सीखोगे कैसे, नहीं तो ठाकुर जी जैसे तैसे सब समय भोग लगाओ, तो इसलिए भोग लगा प्रसाद भोग लगने के बाद थोड़ा सा टेस्ट कर ले। टेस्ट मतलब नहीं खाना, टेस्ट मतलब जैसा जीव हा लगा देगा और फिर धो लिया हाथ मुँह बाहर जाकर वो करते हैं कुछ कुछ वैष्णव लोग ऐसे करते, और नहीं तो भी जिनका आइडिया तो नहीं करते, लेकिन कुछ महाराज जी ऐसा करने लगे चाहिए करते हैं आपका मठ में करते ये वाला करते हैं। जब बन गया तो थोड़ी सी लेकर के, क्योंकि भगवान को गिर देंगे ना हमारा जो भावना थी हम तो खुद नहीं, जैसे नमक ही नहीं क्या करके मिलता, कहीं हम कहीं गए देखा प्रसाद या नमक ही इतना ही नमक नहीं, जब लोग भूल गया मतलब भूल गया, इसलिए क्या होता है जब ज़्यादा कुछ बनते थोड़ी सी एकदम लेकर के उसमें लेकर के भगवान भोग लेंगे उसी बुद्धि से, लेकिन जिनका अंदाज हो गया इतना देने से हो जाता है हो गया जिनका, हाँ जिनका अंदाज है लोग बहुत जो लोग रोज रोसे करते हैं उन लोगों का गलत नहीं होता है, उन लोगों को चेक करना जरूरत नहीं है। और दिन ऐसे कोई किया गोपाल प्रभु वचन महाराज जी गोपाल वचन कि भगवान को भोग और प्रसाद का डिफरेंट क्या है, प्रसाद और भोग का डिफरेंट प्लीज आस्क। आप भगवान के सामने गोपाल अपना रूम में बैठ के फेसबुक देख रहे और वहाँ से चाट कर पूछ रहे भोग और प्रसाद का अंतर क्या बताए। अब भगवान के सामने कौन पे गांधी बने बोला आगे पूछ हो गया। विग्रह के सम्मुख दूसरे को प्रणाम अथवा अभिवादन करना, हाँ विग्रह के सामने दूसरे को प्रणाम नहीं करना, लेकिन गुरुदेव को प्रणाम कर सकते क्योंकि उन्होंने गुरुदेव भाई भगवान की सेवा अर्पण किए हैं, तो इसलिए गुरुदेव आए, तो इसलिए भागवत की सेवा कर रहे थे। भागवत क्या है विषय जाती है विग्रह, सेवा कौन कर रहे थे भागवत व्याख्या कौन कर रहे थे सुत महर्षि, तो बलदेव प्रभु गुरु तत्व तो आए और वहाँ से खड़े होकर उठा नहीं प्रणाम भी नहीं किया सम्मान भी नहीं किया, तो बलदेव प्रभु गुरु तत्व तो क्या किए सेवा से उनको निवृत्त कर दिया, गर्दन उड़ाए हटो यहाँ गर्दन नहीं उड़ाए उससे लेकर के मार दिए खत्म कर दिए, क्योंकि वो सेवा के लिए फिर अधिकारी नहीं बनता, इसलिए गुरुदेव आए तो उठकर भी प्रणाम कर सकते लेकिन दूसरे कोई वैष्णव प्रणाम नहीं कर सकते। सच्चा वैष्णव सच्चा वैष्णव आगे
लेकिन महाराज आम देखु जे दिन आसिले कीर्तन करता सब वैष्णव बसन मैंने प्रणाम करते वैष्णव ठाकुर ने सामने रहो कीर्तन आसिले प्रणाम तो करते सामने कर सब चले सब वैष्णव को प्रणाम मतलब ऐसे सामने घर में आए यहाँ पर क्या कि हर चीज़ कृपा सापेक्ष है इसलिए हम मैं कीर्तन करने जाऊँगा सब वैष्णव लोग हमको कृपा करे जैसे कीर्तन कर सकते हर चीज़ निवेदन है समर्पण भाव से। अच्छा गुरुदेव के सामने मौन रहना अर्थात स्तव प्रणाम आदि न कर उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देकर चुपचाप बैठना। हाँ गुरुदेव सामने आए तो इसलिए वैष्णव हाँ ये समझ में आया अवधूत महाराज पूछते थे ना तो इसलिए कभी वैष्णव पास गए तो मतलब गए तो बस ठीक है खड़े थोड़ा सा ऐसा कर ली झुक कर प्रणाम किया और झट करके चले तो मतलब बस वहाँ रहो भाई यहाँ मत आओ वैष्णव को ऐसा नहीं कोई इसलिए कोई वैष्णव आते तो जाओ सामने प्रणाम करो प्रणाम करके पूछना चाहिए प्रणाम करके भाई मतलब कुछ अच्छी बात चीज सब कुछ थोड़ा बहुत करना तो चाहिए प्रीति ये है गुरुदेव बोले तो गुरुदेव सामने मौन रह जाना मतलब गुरुदेव कुछ नहीं बोलना और कुछ प्रश्न कुछ भी नहीं बोलना उत्तर नहीं देना ये नहीं करना चाहिए गए तो इसलिए हम अवधूत महाराज आए थे हम कुछ बोले नहीं पूछा नहीं कोई उसको मारे बोली कौन कौन से जो मीटिंग जाए थे सर कौन कहले ना नहीं भला हालांकि खराब है तो महाराज जी इतना सुनना क्यों चाहते हम वैष्णव है विष्णु स्तुति प्रिय है हम उनके दास है तो हम भी चाहेंगे कि हमने उनका गुण कीर्तन किया अच्छा हो कि बुरा हो तो बोलो हमारा तो मुँह बंद हो गया मैंने सोचा सही बात है तो कोई वैष्णव के सामने वैष्णव पूछना हमारे जी कैसा हुआ परिक्रमा गए थे अच्छा लगे नहीं आगे उठी अपनी प्रशंसा करना हाँ ये महाराज जी कहते अपना चरण का धूली माथा के ऊपर लगाना अपने माथा में फिर लगाना ये क्या है सेवा अपराध है मतलब अपना प्रशंसा बार बार गान करना वो हमारे में बहुत ज़्यादा है मैं तो अगर मैं तो कथा बोलने के बाद मुझे नहीं पता ऐसे कुछ को है बहुत ज़्यादा गरीब ठीक थोड़ी ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज़्यादा है ना जैसे दिया क्या करेंगे दिया तो जो है ना कथा के बाद में कैसे बोला बहुत ज़्यादा ये करना सही अच्छा अपना अपना प्रशंसा ज़्यादा देवताओं की निंदा करना स्वतंत्र ईश्वर मानना नहीं चाहिए लेकिन निंदा करना मुश्किल है गणेश के बेटा कार्तिक कौन है ये कौन होता है ऐसा नहीं करना सम्मान रूप से चलो ये 32 प्रकार की सेवा और ये 32 प्रकार की सेवा अपराध इनको त्याग करने के लिए प्रयास करना चाहिए ठीक है वंशा कर्म पत्र उपासना पर्जित आनंद पावन जो विष्णु